ऐसे में सलमान सोज साहब, इससे पहले मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, एक बहुत छोटा सा आपसे रिएक्शन चाहिए मुझे सर, क्योंकि ये सनातन वाली जो पूरी डिबेट शुरू हुई है उसके बाद ये पहली इंडिया गठबंधन की बैठक है जब आप लोग सब आमने सामने बैठेंगे, ऐसे में डीएमके को लेकर क्या कोई नसीहत कांग्रेस की तरफ से दी जाएगी सर, या फिर ये खुली छूट यूं ही दी जाएगी कि ठीक है जिसके जो मन में आए बोले सनातन के लिए? सलमान सोज साहब, देखिए रुमाना जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और इंडिया अलायंस का सवाल है, हमारा एक बहुत ही क्लियर एजेंडा ये है कि हिंदुस्तान में जो तमाम लोग हैं, चाहे किसी भी मजहब के लोग हों, चाहे किसी कास्ट के लोग हों, हमारे लिए सब बराबर है, सब। ये मैं सब जो इसमें कोई कभी हमारे में कोई इसमें डबल विजन नहीं, बस एक चीज है, सब लोग बराबर है, क्योंकि सब लोगों के इश्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़े इश्यूज जो इस मुल्क में है जिसपे प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी ने बिल्कुल काम नहीं किया, वो ये है कि हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, हमारी औरतों में बेरोजगारी काफी ज्यादा है, हमारे बच्चे ठीक तरह पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे आप गरीब लोगों के जो जरूरी चीजें हैं जैसे गैस सिलेंडर की बात, ये जो अभी भी मैं आपको कहता हूं माना जी, कैलकुलेशन ये है कि इस जो इन्होंने 200 रुपए का एक और कट किया सब्सिडाइज गैस, आजकल के टाइम में 2014 के मुकाबले में 172% ज्यादा गैस की प्राइस है, जब आप गैस कॉन्ट्रैक्ट्स को लेते हैं, एक्सचेंज रेट्स को लेते हैं। तो ऐसी ऐसे इश्यूज हैं, ये तमाम इंडियंस को यूनाइट करते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि जो ये इश्यूज बन रहे हैं उसकी वजह से, मैंने सवाल इसीलिए ये पूछा था कि जब इतने मुद्दे हैं जो आप कह रहे हैं कि सबको जोड़ते हैं, तो फिर ऐसे मुद्दे गठबंधन की तरफ से क्यों उठाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक डिविजन पैदा करते हुए नजर आए? मैं आऊंगी आपके पास दोबारा, अभी दो और मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव जी का मैं रुख करना चाहती हूँ, और बृजमोहन जी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, अरे आप ही के साथी हैं शर्मा जी, बृजमोहन जी जरा उनको भी आने दीजिए, ब्रजमोहन जी, पवार साहब के घर पर यह बैठक हो रही है, और पवार साहब को तो आप जानते हैं सर, आप ही के पुराने नेता रहे हैं, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, तो फिर जब पवार साहब के घर पर बैठक हो रही है तो इंडिया गठबंधन की यह मुहिम मतलब रंग लाएगी, क्या कहेंगे आप? ब्रजमोहन जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, माधव आनंद अपनी बारी का बहुत देर से इंतजार करें। माधव आनंद जी, आपको क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन की ये जो चौथी और अहम बैठक होने जा रही है, इसके बाद क्या सत्ता पक्ष की कुछ मुश्किल बढ़ सकती है, या फिर ये बैठक भी तीसरी के बाद चौथी और बस एक गिनती बनकर रह जाएगी? माधव आनंद रुमाना जी, मुश्किल में तो ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, क्योंकि इस गठबंधन की बुनियाद ही इतनी कमजोर है, जिसकी बुनियाद उतनी कमजोर हो तो स्वाभाविक है उसकी परिणति क्या होगी आने वाले वक्त में, ये पूरा जो घमंडिया गठबंधन है छत विचित हो जाएगा, टूट जाएगा, और जो थोड़े बहुत दल बच जाएंगे उसको भारतवर्ष की जनता कहां बैठाएगी, आपको ही पता है और मुझे भी पता है। सर ये तो कहते हैं बुनियाद इनकी लोकतंत्र और संविधान बचाने की है, ये बुनियाद कमजोर कैसे, जरा बता दीजिए प्लीज जी। हाँ मैं बताता हूँ, अब जिनका नारा हो कि सनातन धर्म का समूल नाश करना ही हम लोगों का उद्देश्य है इस गठबंधन का, और सबको पता है सनातन धर्म भारतीय समाज की नींव है, एक नींव है, और उस धर्म का समूल नाश करने की बात अगर ये लोग करें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी बुनियाद क्या है। इन लोगों का नारा क्या है, जुड़ेगा भ्रष्टाचारी और जीतेगा परिवारवादी। हम लोग तो हमेशा से कहते हैं ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, यानी जुड़ेगा भ्रष्टाचारी जीतेगा परिवारवादी, तो जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करेगा उस गठबंधन का क्या नतीजा निकलेगा, क्या हश्र होगा, भारत की जनता उनको कहां बैठाने का काम करेगी, रुमाना जी आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, और जहां तक बिहार की बात करें आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में तो सब जनता है, सब लोग जानते हैं कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं, उन्होंने बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया, नेताओं को ठगने का तो छोड़ दीजिए, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको उन्होंने ठगने का काम किया, अगर ठगने में कोई माहिर है तो यही मेरे चाचा हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो ठग गैंग्स ऑफ ठग के मास्टर हैं वो, और उनको सब जानता है और आज भी ठग रहे हैं, यानी चाचा भतीजा को ठग रहे हैं, भतीजा चाचा को ठग रहे हैं। तो मुझे लगता है इस गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला है, ये गठबंधन पूरी तरह टूट जाएगा चुनाव आते आते। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है
शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।